स्ट्रॉन्ग मुस्तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग रेलवे न्यू ब्लॉग चैनल में। सो चुप है आ गया भाई आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि गाइस मतलब मैं न्यू लोकेशन पर तो जा नहीं रहा और गाइस जब से रमजान शुरू हुए तो कहीं भी बाहर नहीं गया हूँ मैं, ना किसी लोकेशन पर गया हूँ ना किसी नए व्यू पर गया हूँ। सो मतलब रमजान तक भाई मुश्किल है मैं जा पाऊँ। सो गाइस मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूँ और अपने घर का ही। सो आज हम लोग सफाई करने वाले हैं, मतलब सब लोग रमजान से हैं तो मम्मी ने बोला कि भाई तू करवा ले इनके साथ सफाई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो मैं सफाई करवाने वाला हूँ इन लोगों के साथ, मतलब सिस्टरों के साथ। और गाइस मतलब घर की काफी सफाई है और ईद भी आ रही है। मैं नहीं मानता, रमजान चल रहे हैं। सो गाइस मतलब सफाई करवानी थी और काफ़ी टाइम से सोच भी नहीं थी मम्मी, तो आज सोचा कि करवा ले भाई सफाई करवा। तो गाइस इसी का ब्लॉग बनाने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे सफाई करते हैं और सफाई करने में जो इन्जॉय करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, देख लो भाई। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और इस ब्लॉग को पूरा देखना और ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला ब्लॉग को पूरा देखना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू न्यू ब्लॉग जो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ए चुप है। इसकी सफाई करने वाले हैं और इसी से शुरू करेंगे बाबू है, यहाँ से शुरू करने वाले हैं और यहाँ से फिर पूरे घर की सफाई करेंगे गाइस। सो अभी दिखाने वाले भाई ये सफाई करने वाले हैं इसकी। तो ये सामान है जो इसमें जितना भी सामान है वो सब निकाल के बाहर रखेंगे और फिर उसको साफ करके फिर अंदर रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई सफाई। सो गाइस मतलब मैं यहाँ पर अंदर हूँ अभी और देखिए कितनी मिट्टी है भाई, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो रही है। मतलब बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता पूरी इसमें। और ये एक छोटा सा मतलब स्टोर रूम बना हुआ है पर यहाँ पर हम सामान रख देते हैं स्टोर रूम में। और काफ़ी मिट्टी हो गई है भाई, रोड से उड़ उड़ के मिट्टी आती है तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। और मैं कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ जो हमारी यादगार है, वो बहुत ही पुरानी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी है तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। सो ये देखिए यहाँ पर गाइस ये साइकिल है, जो साइकिल दिख रही है आपको ये हमारे दादा ने दी थी और बड़े भाई को दी थी, मतलब बड़े भाई को दी थी। और अभी पूरी तरीके से दिखाएंगे बाहर ले जाके। और सामान देखो भाई कितना सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सामान है बहुत ही। और यहाँ पर देखिए ये कितना सामान है भाई, बहुत ही सारा सामान हमें बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद फिर से अंदर रखना है। और ये तो निकाल देगा जल्दी जल्दी सामान को बाहर और फिर आपको वो साइकिल भी दिखाते हैं जो हमारे दादा ने हमें दी थी। तो बहुत छोटी साइकिल है और सबने चलाई है हमारे घर में, मतलब पांचों बहन भाइयों ने। हमने पूरी तरीके से सामान निकाल दिया है, मतलब इसका स्टार्ट करो। और इसका स्टोर रूम का पूरा सामान मतलब बाहर रख दिया है और देखिए पूरा खाली हो गया भाई। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई कि ये पूरा खाली हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब कुछ बड़ा बड़ा सामान रह गया है, मतलब कुछ बड़ा बड़ा सामान छोड़ दिया है हमने यहाँ पे क्योंकि वो उतारने में काफ़ी दिक्कत होती, तो ज़्यादातर सारा सामान निकाल दिया। पूरी देखिए भाई पूरी तरीके से सारा सामान उतार दिया। सो काफ़ी परेशानी हुई उतारने में पर जल्दी जल्दी उतार दिया भाई क्योंकि और भी काम थे और भी काम करने थे घर के और भी सफाई करनी है इसके अलावा। तो गाइस इस चक्कर में हमने पूरा सामान इसका उतार दिया। अब इसको थोड़ा धोएंगे या पोंछा लगाएंगे जो भी करेंगे तो उसके बाद इसमें सामान फिर से रखेंगे। सो गाइस चलते हैं और आगे क्या करना है, पोंछा लगाना है या धोना है जो भी करना है जल्दी करते हैं और फिर इसमें सामान शिफ्ट करते हैं जल्दी। और भारी भारी सामान हम लोगों ने उतारा नहीं है, जो बड़ा बड़ा सामान था क्योंकि तो दिक्कत ज़्यादा होती है उसे उतारने में। तो चलते गाइस जो भी करते हैं दिखाएंगे आपको। सो गाइस अभी हम
ये साइकिल चलाने वाले हैं और मैं दिखा रहा हूँ कितनी बड़ी साइकिल है। और मैं अभी मतलब अभी हम ये साइकिल चलाने वाले हैं और सभी चलाएंगे, बाबू भी चलाएगा, मैं भी चलाऊंगा और सब लोग चलाएंगे साइकिल और काफ़ी मज़ा आएगा भाई। और ये हमारे दादाजी की निशानी है और हमारे दादा ने दी थी मतलब ये साइकिल और काफ़ी भैया को दी थी तो हम सब ने चलाई है वैसे तो ये मतलब जी भैया को थी पर चलाई हम सब ने है। सो आज एक बार और चलाएंगे इसको फिर रख देंगे फिर से स्टोर रूम में और ये काम आएगी किसी टाइम पर और फिर से मतलब चला के थोड़ा इन्जॉय करके और फिर इसे स्टोर रूम में रख देंगे। सुबह इस चलाते हैं चलेंगे। फाइनली स्टोर रूम की सफाई हो चुकी है। मैं नहीं मानता। और काफी मेहनत करने के बाद भाई पूरी तरीके से हमने सफाई कर दी और उसमें पोंछा लगाया था गाइस। सो मतलब सारा सामान भी शिफ्ट कर दिया तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया है तो अभी चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको तो चलते गाइस मैं दिखाता हूँ। देखिए पूरा सामान शिफ्ट कर दिया हमने। खोलियो तो ये देखिए गाइस पूरा सामान शिफ्ट कर दिया हमने पूरा अंदर और सारा सामान इसके अंदर ही रख दिया जैसे रखा हुआ था पहले तो भी काफ़ी बिखरा हुआ था पर अभी हमने पूरा शिफ्ट करके रखा आराम से अच्छी तरीके से। सो अभी एक ऊपर है एक ऊपर ऐसे ही मतलब स्टोर रूम जैसा बना हुआ है वो भी साफ़ करना है। सो भाई अभी चलते हैं और उसको साफ़ करेंगे भाई। सो अभी वो साफ़ करना है तो अभी यहाँ पर आ गए हैं इस वाले को साफ़ करने के लिए। सो ये रहा जो ये ऊपर दिख रहा है ना ये इसको साफ़ करना है हमें ये ऊपर है जो तो चलते हैं। सो गाइस करने वाले अभी एक और जगह की सफाई और भाई इस सफाई के बाद मतलब फिर काम खत्म हो जाएगा। Once more! और ये भी मतलब ऐसे ही वो स्टोर रूम था और ये भी छोटी सी मतलब ऐसी बंडरिया सी बोलते हैं ना वो बनी हुई है तो इसमें मतलब हमें इसे भी इसका सामान निकाल के साफ करना है। सो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें कितना सामान है भाई इसमें मतलब उसके ही बराबर सामान है और काफ़ी सामान है इसमें भी तो सारा सामान बाहर निकालेंगे फिर इसे साफ़ करेंगे फिर उसके बाद ये सामान फिर से रखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना सामान है भाई। सो ये देखिए ये सामने जो दिख रही है गाइस यही है साफ़ करने के लिए और सामान भाई बहुत है तो सारा सामान लगाना मतलब निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद साफ़ करके रखना पड़ेगा और इसमें फिर पर्दा भी लगाना है। मम्मी बोल रही है पर्दा भी लगाना है भाई इसमें। सो गाइस करते हैं चलो अब इसकी सफाई फिर उसके बाद काम खत्म फिर नहाएंगे फिर नमाज के लिए भी जाएंगे। सो गाइस चलो ये इसका और काम खत्म करते हैं चलते हैं। सो गाइस फाइनली काम खत्म हो गया है और काम पूरी तरीके से खत्म हो गया और मतलब जो छोटे मोटे काम है तो ये लोग कर रहे हैं और ये लोग भी इतना परेशान नहीं हुए और काम खत्म होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी क्योंकि भाई मैं फ्री हो गया मैं एक तरह से फ्री हो गया पूरी तरीके से। ये लोग कर रहे हैं छोटे मोटे काम अपने सो इतना परेशान भी नहीं हुए ये लोग और काफ़ी मतलब सब लोग रमजान से थे तो इतना परेशान नहीं हुए ज़्यादातर काम मैंने कर लिया गाइस। सो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और मिलता हूँ मैं आपको नहाने के बाद गाइस। सो चलते हैं नहाने मिलते हैं। सो गाइस अभी आपका भाई नहा लिया है और गाइस मैंने नमाज भी पढ़ ली है मतलब जैसे मैं नहाया तो उसके बाद ही मतलब थोड़ी देर बाद ही नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा यार ब्लॉग में नमाज़ पढ़ने के बाद ही आऊँगा तो नमाज़ पढ़ के ब्लॉग में आया हूँ गाइस।
सो मतलब आज का ब्लॉग भाई इतना ही, और काफ़ी मेहनत की आज हमने, और काफ़ी मतलब सफाई की तो बहुत ही मतलब थकावट सी हो गई है भाई। सो कोई बात नहीं भाई, कभी कभी ऐसा होता है। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो गाइस जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस आपके एक सब्सक्राइबर से अगली वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है भाई, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा ब्लॉग। और गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।